हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज आप लोगों के साथ ये नाश्ते की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि मैंने उड़द दाल से बनाया है और बहुत ही लाजवाब, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने उड़द की दाल ले ली है एक कटोरी के लगभग। ये छिलके वाली उड़द की दाल है और इसी के साथ मैं इसमें मिक्स करूँगी ये बिना छिलके वाली उड़द की दाल। तो इसे भी मैंने लगभग आधी कटोरी के लगभग ले लिया है और ये दोनों ही दालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और पानी से भिगा देंगे। एक दो घंटे में ये दाल अच्छे से हमारी फूल जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने दाल को अच्छे से फुलाकर और अच्छे से धुल लिया है। इसका जो छिलका है थोड़ा बहुत धुलने पर आसानी से निकल जाता है। चलिए फ्रेंड्स, हमने इसे अच्छे से धुल लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, मिक्सर ग्राइंडर का जार लेंगे और उसमें डालकर इसे अच्छे से पीस लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमें बहुत ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं करना है, बस 1 से 1.5 चम्मच इसमें पानी डालकर और इसे अच्छे से हम पीस कर इसका एक पेस्ट बना लेंगे। तो हमको ज़्यादा पानी यहाँ नहीं डालना है, नहीं तो ये जो उड़द दाल का पेस्ट है ना, ये गीला हो जाएगा। इसको हमें हल्का सा ड्राई ही रखना है, बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं करना है। तो देखिए, इसको मैंने एक बार पीस लिया है तो दोबारा भी इसमें डालकर पीस लेती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें इसे डाल दिया है और इसे भी पीस कर तैयार कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें इसे बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डालकर और पल्स मोड पर चलाकर उसके बाद इसको स्मूथ सा पीस कर तैयार करना है। ज़रा सा भी ये गीला होगा तो हमारा ये नाश्ता अच्छा नहीं बन पाएगा। और अगर हम इसे सिलबट्टे पर पीस कर बनाए ना, तो ये और भी अच्छा बनकर तैयार होता है। लेकिन मिक्सर ग्राइंडर के जार में थोड़ा बहुत पानी का हमें यूज करना ही पड़ता है, बिल्कुल ड्राई हम इसे नहीं पीस सकते हैं मिक्सर ग्राइंडर में। और ये देखिए, मैंने दूसरी बैच को भी अच्छे से पीस कर और इसमें निकाल लिया है और इसे इस तरीके से चलाते हुए 2 मिनट हम अच्छे से फेंट लेंगे। इसको हल्का सा ये फ्लफी हो जाएगा तो इसको साइड में रख देते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ले लिया है अरबी का पत्ता, जो कि मेरे किचन गार्डन में बिल्कुल तैयार है। बहुत ही सॉफ्ट मुलायम, बिल्कुल हरे पत्ते हैं ये, छोटे छोटे हैं और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। बिल्कुल भी गले में खराश नहीं होती है, ये पत्ते बहुत ही अच्छी वैरायटी के हैं। तो बस मैं इसे कट करके लेके आ गई हूँ और ये ढेर सारे पत्ते देखिए आप देख सकते हैं। तो बस मैं इसको अच्छे से धुलकर और ये देखिए बारीक बारीक कट कर लिया है मैंने। तो बिल्कुल हमें इसे बारीक कट कर लेना है। और इसी उड़द की दाल से मैं आपको 2 तरीके का नाश्ता बनाना बताऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ये अरबी के पत्ते को ले लिया है और इसे अच्छे से कट कर लिया है। इसके बाद इसमें तुरंत हम डाल देंगे नमक और इसे अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर देंगे। तो जैसे हम इसमें नमक डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे ना, तो ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे और भी, और हल्का सा इसमें पानी छूटने लगेगा। तो इस तरीके से हमें नमक डालकर इसमें हल्का सा इसे मिक्स करके और 1-2 मिनट के लिए रख देना है। इससे जो हमारा ये नाश्ता बनकर तैयार होगा ना, ये बहुत ही लाजवाब, टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी कुरकुरा बनकर तैयार होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने नमक डालकर इसे अच्छे से हाथों से मसल मसल कर मिक्स किया है। तो ये बहुत ही सॉफ्ट होकर थोड़ा हो गया है, तो इसे मैंने साइड में रख दिया है। चलिए यहाँ पर इसके लिए एक अच्छा सा मसाला तैयार करते हैं। तो यहाँ मैंने 1 छोटी साइज की प्याज ली है और 4 से 5 लहसुन की कलियाँ ले ली हैं और 7-8 दाने काली मिर्च के ले लिए हैं। और इसे मिक्सर ग्राइंडर के जार में डालकर और इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी और इसको पीस कर इसका एक पेस्ट बना लूंगी। तो ये जो मसाला मैं बना रही हूँ, इससे बहुत ही गजब का इसमें टेस्ट आ जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मसाले को मैंने पीस लिया है और पीस कर इसमें डाल देती हूँ इसी पत्ते में अरबी के। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर लहसुन, प्याज और ये काली मिर्च इसमें आप जरूर डालिए, इससे इसका जो फ्लेवर और टेस्ट है बहुत ही अच्छा आ जाता है। और भी मसाले अभी हम इसमें यूज करेंगे, लेकिन चलिए यहाँ पर हम पहले क्या करते हैं कि उड़द की दाल को आधा मैं इसमें डाल लेती हूँ और आधे का मैं दूसरे तरीके का नाश्ता बनाऊंगी। तो देखिए, यहाँ पर मैंने थोड़ी सी उड़द की दाल यानी कि लगभग आधी इसमें डाल दी और साथ ही मैंने आधी कटोरी के लगभग इसमें चावल का आटा डाल दिया है। इसी के साथ मैं इसमें ये डाल दे रही हूँ 1 पाउच ये गरम मसाला है, ये 1 से 1.5 चम्मच के लगभग है, और साथ ही हल्दी पाउडर और 1/2 चम्मच के लगभग धनिया पाउडर। और बस इन सब चीज़ों को पत्ते में अच्छे से मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने हींग इसमें नहीं डाला है, आप यहाँ पर हींग भी थोड़ा सा इसमें डाल लीजिए। और ये देखिए, मैं इसको इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा बेसन भी डालेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें सारी चीज़ों को अच्छे से इसमें मिक्स करना है और चावल के आटे से ये इतना कुरकुरा बनता है कि मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों से, और बहुत ही गजब का टेस्टी ये हमारा नाश्ता बनकर तैयार होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आधी छोटी कटोरी के लगभग इसमें ये बेसन भी डाल दिया है और बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और इसे रख देती हूँ साइड में। नमक हमने पहले ही पत्तों में डाला था, तो नमक को हम एक बार टेस्ट कर लेंगे, अगर कम रहेगा तो थोड़ा सा और डालेंगे, नहीं तो इसमें नमक बिल्कुल भी नहीं डालना है। और देखिए, यहाँ पर मैंने ले लिया है नींबू और इसको मैं कट कर लेती हूँ।
आधे नींबू के रस को मैं इसमें डाल दूंगी, अरबी के पत्ते का जो हमने मिश्रण बनाया है, और आधे से मैं इसमें चटनी बनाऊंगी। इसके लिए बहुत ही लाजवाब, बहुत ही टेस्टी, चटपटी, तीखी। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने इसमें नींबू का रस डाल दिया है और इसे रख देती हूँ साइड में, और यहाँ फटाफट से बना लेती हूँ चटनी। तो टमाटर की ये बहुत ही झटपट बनने वाली तीखी चटपटी चटनी बहुत ही टेस्टी लगती है इसके साथ खाने में। तो फ्रेंड्स, आपने अरबी के पत्तों का तो नाश्ता कई तरीके से कई बार बनाया होगा, एक बार इस तरीके से बनाकर देखिएगा, सच में बहुत ही लाजवाब और टेस्टी बनता है। मेरे हस्बैंड को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो मैं अक्सर उनके लिए बनाती रहती हूँ, इसलिए मैंने किचन गार्डन में अरबी के पत्ते लगाए हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में, बिल्कुल भी इससे खराश नहीं होती है, बहुत ही अच्छी वैरायटी के ये पत्ते हैं। चलिए, इसमें मैंने सारी चीज़ें डाल दी हैं, हरा धनिया का पत्ता, 2-3 लहसुन की कलियाँ, टमाटर और एक हरी मिर्च, थोड़ा सा नींबू का रस और साथ ही नमक डालकर इसे मैंने पीस लिया है, और ये हमारी बहुत ही टेस्टी चटपटी तीखी चटनी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। चलिए फटाफट से बना लेते हैं नाश्ते को। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मैंने आधी उड़द की दाल बचाकर रखी थी उसे ले लिया है, और उसमें मैंने 1 चम्मच के लगभग डाल दिया है साबुत जीरा, और साथ ही इसमें नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दिया है, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ स्पून की सहायता से ही। तो फ्रेंड्स, ये जो मैं बना रही हूँ उड़द दाल के पकौड़े, ये मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। मेरे बच्चे ये जो अरबी का पत्ता का पकौड़ा मैं बनाती हूँ इसे नहीं खाते हैं, उन्हें कम पसंद है, तो मैं उनके लिए अक्सर जब ये बनाती हूँ तो उड़द दाल के पकौड़े बना देती हूँ इस तरीके से, वे बहुत ही चाव से इसे खाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बच्चों के लिए ही बनाकर तैयार करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमारा जो तेल है वो अच्छे से गर्म हो गया है, तो बस हम इसमें छोटा छोटा ये दाल का मिश्रण लेंगे, और इस तरीके से जैसे हम बड़ी वगैरह बनाते हैं या पकौड़ियाँ बनाते हैं उसी तरीके से इसमें छोटा छोटा पार्ट्स डालेंगे, और इसके बाद ये हमारा अच्छे से बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसको हमने अच्छे से फेंट लिया है उड़द दाल को, इससे ये बहुत ही फ्लफी और बहुत ही स्पॉन्जी बनकर तैयार होता है। तो देखिए, इसको मैंने इसमें डाल दिया है, और इसके बाद इसको हम हल्का सा ऊपर से तेल इस पे डाल देंगे, और उलट पलट कर हर साइड से इसे अच्छा सा क्रिस्पी होने तक, इसमें एक अच्छा सुनहरा कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। कि फ्रेंड्स, यहाँ पर इसमें एक अच्छा सा कलर आ गया है, तो बस हम इसे निकाल लेंगे, और यहाँ हमें फ्रेंड्स इसको गैस की फ्लेम को बहुत ज़्यादा हाई करके नहीं फ्राई करना होता है, नहीं तो ये ऊपर से तो कलर आ जाता है लेकिन अंदर से कच्चा ही रह जाता है। और ये देखिए फ्रेंड्स, अंदर से बहुत ही सॉफ्ट, ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो अब मैं उड़द दाल के ये जो पत्ते वाले पकौड़े हैं इसको बना लेती हूँ अरबी के पत्ते के। तो देखिए, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मिश्रण लिया है, हाथों पे हल्का सा पानी लगाकर इसे इस तरीके से चपटा कर लेंगे, और हल्का सा लंबाई में शेप देते हुए इस तरीके से हमें इसे बना लेना है। उसके बाद आराम से तेल में डाल देना है, इस तरीके से हमें थोड़ा थोड़ा मिश्रण लेना है और हाथों में हल्का सा पानी लगा लेंगे ना, तो ये बहुत ही अच्छे से बिल्कुल चिपकेगा नहीं हाथों में और बढ़िया से बन जाएगा। इसके बाद हमें इसे धीरे से तेल में इस तरीके से डाल देना है, और इस तरीके से जितना भी तेल में आएगा हम बनाकर इसमें और डालते जाएंगे, और ये हल्का हल्का हमारा नीचे से सिकता जाएगा, इसे साइड में करते जाएंगे और इसमें डालते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो नाश्ता है ना अरबी के पत्ते का, ये बहुत ही टेस्टी लगता है, मेरे हस्बैंड को तो ये बहुत ज़्यादा पसंद है, और हम इसे इसी तरीके से बनाते हैं। आप इसे किसी और भी शेप में बना सकते हैं, जैसे डोनट के शेप में, या फिर आप इसे गोल गोल भी बना सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स मैं इसे इसी तरीके से बनाती हूँ क्योंकि मेरे मायके और ससुराल में ऐसे ही बनता है और मेरे हस्बैंड को ये ऐसे ही पसंद है। चलिए फ्रेंड्स, हम इसे उलट पलट कर अच्छे से दोनों साइड से क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे, इसमें एक अच्छा सा सुनहरा सा कलर आ जाएगा, ये देखिए इस तरीके से, और बहुत ही अच्छे से ये फ्राई हो जाता है जब हम इसे इस तरीके से पतला पतला बनाते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा ये नाश्ता बनकर बिल्कुल तैयार है। मैंने इसे टोमेटो केचप और टमाटर की तीखी चटपटी चटनी के साथ सर्व किया है। तो दोनों ही तरीके का नाश्ता मेरे घर में बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मैं ले चलती हूँ, देती हूँ सभी को खाने के लिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।